Hello everyone, how are you all? Welcome back. In last video, we were discussing about the initial rate method to calculate the order of the reaction. And today, in this video, we will learn about the pseudo order reactions. Pseudo order reactions क्या होते हैं? इनको हम आज study करेंगे और इनको pseudo order reactions के साथ साथ pseudo first order reactions भी बोला जाता है. देखिए क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं हमारे पास जो देखने में हमें नहीं पता चलता या हमें नहीं लगते देखने पे कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे, बट इन एक्चुअल दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एंड दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज द सूडो ऑर्डर रिएक्शंस और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल सा, CH3COO C2H5, व्हाट इज दिस? इथाइल एसीटेट. ठीक है, पता है आप सबको क्या है, इथाइल एसीटेट है. इसकी मैं करवा रही हूँ हाइड्रोलाइसिस यानी रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए CH3COOH. एक तो मुझे क्या मिलेगी यहां से, आपको अच्छे से पता है एसिटिक एसिड यहां से, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, मैं इसको बोल सकती हूँ इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. ठीक है, तो देखिए इस टाइप के रिएक्शन को देखिए, सपोज आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देख के क्या लगेगा कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखना चाहूं रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या लिखना चाहूं इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन, तो जो रेट है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करेगा, दो यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, इट मींस दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेगा और वो क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर का तो नहीं होगा. तो ये रिएक्शन देखिए, दिखने में मुझे नहीं लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा या नहीं होगा, बट एक्चुअल में इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इस टाइप के रिएक्शंस को ही बोला जाता है सूडो ऑर्डर रिएक्शंस. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब इस टाइप के केसेस में ऐसा क्या होता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का बन गया है. इसमें क्या होता है, जो हमारा एक रिएक्टेंट है वो तो प्रेजेंट होता है लिमिट में, या हम इसको यू बोल सकते हैं एक तो होता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा प्रेजेंट होता है हमारे पास एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट हम उसको बोलते हैं. एक लिमिटिंग है और दूसरा क्या है, एक्सेस है. और 11th क्लास में आप लोगों ने इस चीज को स्टडी किया है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं कितने अमाउंट में हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये सब डिपेंड किस पे करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है. 11th में आपने लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक में इसको स्टडी किया होगा. अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, सपोज आपको क्या करना है, आपको नींबू पानी बनाना है. ठीक है, नींबू पानी आप बनाना चाह रहे हैं और आपके पास क्या है, यू हैव 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास आपके पास में वाटर प्रेजेंट है, प्लस साथ में आपको क्या चाहिए, लेमन चाहिए. तो जो लेमन है, जो नींबू है, वो आपके पास प्रेजेंट है 1 किलोग्राम. तो देखिए ये तो लिमिट में है, लिमिटिंग है मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट है कि आपके पास सिर्फ 1 ग्लास पानी ही है. लेमन की बात करें तो लेमन आपके पास 1 किलोग्राम है. अब 1 किलोग्राम लेमन से तो कितना ही आप नींबू पानी बना सकते हैं, लेकिन इसको भी तो देखिए, वाटर आपके पास कितना है, सिर्फ 1 ग्लास है. तो 1 ग्लास वाटर है और इतने सारे लेमन होने के साथ आप 5 ग्लासेस या 10 ग्लासेस तो नहीं बना सकते हैं. मीन्स कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा, कितने नींबू पानी आपको मिलेंगे डिपेंड कर रहा है ना इसके ऊपर, जितना वाटर आपके पास प्रेजेंट होगा. फिर जो लेमन है वो चाहे आपके पास 10 किलो हो, 5 किलो हो, 1 किलो हो, कितना भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, सब डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे. तो यहाँ पे देखिए, इथाइल एसीटेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड वाटर इज द एक्सेस रिएजेंट. वाटर हमने बहुत एक्सेस अमाउंट में ले रखा है क्योंकि एक इसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस का क्या है, ये एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. लिख देती हूँ मैं इसको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. तो वाटर मैंने ले रखा है एक्सेस अमाउंट में. ठीक है, तो अब देखिए, सपोज मैंने यहाँ, अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करूं, सपोज मैंने इसकी कंसंट्रेशन ले रखी है 0.1 मोलर और वाटर मेरे पास प्रेजेंट है 100 मोलर. ठीक है, तो ये जो है ये डिसाइड करेगा कि कितना कितना अमाउंट इनका बनेगा. ठीक है, एक्सेस में जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे डिसाइड नहीं करता है, लिमिटिंग रिएजेंट इस चीज को हमेशा
डिसाइड करता है। तो इथाइल एसिटेट ही डिसाइड करेगा कितनी एसिटिक एसिड आपको मिलेगी और कितना आपको इथाइल अल्कोहल मिलेगा। तो इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिटेट एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टाइप के सारे रिएक्शन जो दिखने में आपको फर्स्ट ऑर्डर के नहीं लगते बट एक्चुअल में दीज आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज द सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और आप उसे क्या बोलते हैं, देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। और भी एग्जांपल्स होते हैं आपके पास, काफी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, हो गया फर्स्ट, सेकंड वन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की आपको क्या करानी है, हाइड्रोलाइसिस करानी है। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस यानी रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव, क्या बनेगा देखिए, C6H12O6 + C6H12O6, यही बनता है। क्या क्या है ये, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये भी जो रिएक्शन है, ज्यादातर आपकी जो इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है सभी क्या होते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इनके अंदर जो रेट है डिपेंड करता है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो इथाइल एसिटेट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसकी बात करूं तो सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो क्या है ये, दीज आर द सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। अब देखिए हम जो ये सब बात कर रहे थे ये हम किस में स्टडी कर रहे थे, हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मीन्स रिएक्शन का रेट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें से फर्स्ट मेन फैक्टर हमारे पास क्या है जो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपने रिएक्टेंट्स के बारे में देखिए कितना सब कुछ स्टडी किया, और ओवरऑल वहां से एक ही बात निकल करके आती है क्या, कि जैसे जैसे हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता ही है। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें, रिड्यूस कर दें, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। क्या मैंने कंक्लूड किया, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स क्या, कि अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज कर दूंगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड देखिए, अब कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट पूरा हो गया। अभी तक मैंने जो आपको बताया जिसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह सब बताया, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सभी में हम कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो जो रिएक्टेंट है वो किस टाइप का है। अब नेचर में भी देखा जाए तो बहुत सारे आपके पास फैक्टर्स या बहुत सारे आपके पास केसेस आ जाते हैं जिससे आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर मैं यहां से बात करूं, देखिए फर्स्ट मैं यहां बात करती हूँ फेज की, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और रिएक्टेंट्स की नेचर पे कि किस टाइप का रिएक्टेंट आपके पास प्रेजेंट है, किस टाइप का मतलब हम उसके फेज की बात भी कर सकते हैं। फेज मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसके तीनों में से कोई भी फेज हो सकते हैं, सोलिड लिक्विड एंड गैस। तो अब आपको सोलिड लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टीज पता है तो आप खुद ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली कि तीनों में से सोलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म में अगर इनमें से किसी भी फॉर्म में आपके पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो किस फॉर्म के अंदर वो जल्दी या फिर इजिली रिएक्ट करेगा और किस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा। देखिए जो गैसेज हैं, गैसेज के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वीक है या आप नेग्लिजिबल बोल देते हैं कि उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर उनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है इट मीन्स वो इजिली रिएक्ट कर सकते हैं। लिक्विड्स के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से ज्यादा होते हैं इट मीन्स वो इतना इजिली रिएक्ट नहीं कर सकते जितना इजिली गैसियस फॉर्म में रिएक्शन होगा, ठीक है। और सॉलिड, सॉलिड में तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है
तो ये तो इनका तो सबसे कम चांस होता है रिएक्शन का, मीन्स तीनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो गैसेस हैं वो इजीली रिएक्शन शो कर लेती हैं, मीन्स अगर रिएक्टेंट्स गैस के फॉर्म में है तो फटाफट से रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। और इसलिए हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा लिक्विड में गैसेस से कम और सॉलिड में और कम। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन अगर फेजेस के टर्म में बोलें तो गैसेस फॉर्म में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में, ठीक है। अब फेजेस के साथ साथ एक और फैक्टर भी आता है इसी के अंदर, अगर हम बात करें इसकी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस नेचर की, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नेचर, क्योंकि हम रिएक्टेंट की नेचर पढ़ रहे हैं तो वो किसी भी टर्म में हो सकती है, या तो हम फेजेस के टर्म्स में पढ़ लें, ठीक है, या हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के टर्म्स में स्टडी करें। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जहां पे सेम फेज होगा रिएक्टेंट्स का, कि मान लीजिए दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों ही आपके किसमें हैं, गैसियस फॉर्म में हैं। हेट्रो का मतलब डिफरेंट फेज, सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है गैसियस फॉर्म में और एक क्या है, लिक्विड फॉर्म में, एक है लिक्विड फॉर्म में एक है सॉलिड फॉर्म में, मीन्स आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, डिफरेंट फेजेस, और यहाँ पे आपको सेम मिलेंगे, चाहे तो दोनों गैसियस फॉर्म में हो, चाहे दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे दोनों कैसे हो, सॉलिड फॉर्म में हो। तो इस टाइप के रिएक्टेंट्स में रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका सिमिलर नेचर होता है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी फास्ट कहां होता है, होमोजीनियस के केस में होगा, ठीक है। तो गैसियस फेज और उसके बाद अगर वो होमोजीनियस है तो वो भी अच्छी बात है। तीसरा मैं यहां से और एक्सप्लेन करूं तो इसमें स्टेबिलिटी पे भी रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने सपोज कोई रिएक्टेंट ले रखा है एंड मान लीजिए वो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो क्या वो इजिली रिएक्शन शो कर पाएगा, नहीं। अगर वो रिएक्शन शो नहीं करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका कम होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हैं हम इसको इस तरह से कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट, या सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल स्टेबिलिटी भी हम बोल देते हैं, ठीक है। और भी काफी सारे चीजें इसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं, एनर्जीज की टर्म्स में बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये जो रिएक्शन है इट इज अ स्लो रिएक्शन, ठीक है। और सपोज एक आपके पास क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका रिएक्शन आपको करवाना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। दो अलग अलग रिएक्शंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, एंड दिस सेकंड रिएक्शन इज द फास्ट रिएक्शन। अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आप इसको देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको तो रटना पड़ जाएगा, लेकिन रटने की यहाँ पे बात नहीं है, स्लो और फास्ट है किस टाइप के नेचर ये शो कर रहा है डिपेंड करता है कि ये आपस में रिएक्शन शो कर रहे हैं तो बॉन्ड भी तो ब्रेक हुए होंगे ना, CO के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, NO के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है दोनों जगह, ठीक है। तो डिफरेंट एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं बॉन्ड ब्रेकिंग में भी और बॉन्ड फॉर्मेशन में भी, इस वजह से भी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस चीज को समझिए अच्छे से। फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है, और अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाता है, घट जाता है। सेकेंड है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसको हमने बहुत अलग अलग तरह से देखा, एक मैंने आपको एग्जाम्पल की टर्म में बताया इस तरह से कि एनर्जीज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन पे भी ये चीज डिपेंड करती है। उसके अलावा फेज की बात करें, सॉलिड लिक्विड और गैस, गैसियस फेज में रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे ज्यादा है क्योंकि गैसेस इजीली रिएक्शन शो करती हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है या नेगलिजिबल है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नेचर पे भी डिपेंड करता है, अगर होमोजीनियस है एक जैसे से रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, दोनों गैसेस, दोनों लिक्विड्स या दोनों सॉलिड, तो वो जल्दी से रिएक्शन शो करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी की बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल स्टेबिलिटी, जो आपका रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है वो इतनी आसानी से रिएक्शन शो नहीं करेगा, और इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन वहां पे आपको कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट फैक्टर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है उसके सरफेस एरिया की बात की जाए तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर या मोर विल बी द सरफेस एरिया, ग्रेटर और मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी, मोर
विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई हमारे पास सब्सटेंस है, रिएक्टेंट्स है हमारे पास, उनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज आपके पास कोई टैबलेट है, ठीक है, कोई मेडिसिन है, कोई टैबलेट है आपके पास, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको वाटर में डिजोल्व कराना चाह रहे हैं। मीन्स हम यहाँ पे क्या रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं कि डिजोल्वेशन ऑफ अ टैबलेट इन वॉटर, ठीक है, कि हम वॉटर में टैबलेट को क्या करना चाह रहे हैं, डिजोल्व करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास वो टैबलेट कंप्लीट है एज इट इज, तो आप उसको डिजोल्व कर रहे हैं वॉटर में, डिजोल्व करना चाह रहे हैं। एक आपने उसको क्या किया, उसको ब्रेक कर लिया, उसको क्रश कर लिया। तो जो मेडिसिन आपके पास, जो टैबलेट आपके पास क्रश्ड फॉर्म के अंदर होगी, वो क्या होगी, वो ज्यादा इजिली उसके अंदर वॉटर में डिजोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा सरफेस एरिया हुआ उस क्रश्ड फॉर्म में टैबलेट का, तो वो फटाफट से वॉटर के अंदर डिजोल्व हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन वहां पे क्या है, ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा। और एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज आपके पास क्या है, लकड़ी है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, बड़ी सी आपके पास लकड़ी है, वुड है, आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, बर्न करना चाह रहे हैं। तो वो इतना इजिली बर्न नहीं होता है एज कंपेयर कि आप उसको क्या करें, आप उसको छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जब आप उसको डिवाइड कर लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, वहां पे ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, सिंपल सा फैक्टर है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब देखिए, जिस तरह से हमने कंसंट्रेशन को डिटेल में स्टडी किया है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को हमने स्टडी किया, इसी तरह से जितना भी हमारा चैप्टर अभी ये बचा हुआ है उसके अंदर जो दो फैक्टर्स अगले मैं आपको दोनों बताने जा रही हूँ, फर्स्ट दिस इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट एंड नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि कैटालिस्ट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे। नेक्स्ट जितना चैप्टर बचा हुआ है ये वाला आपका, वो इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल में कैटालिस्ट और टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करेंगे, जिस तरह से हमने कंसंट्रेशन को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और जनरली अभी आपको यहाँ बता दूं तो आप लोग जानते भी हैं कि कैटालिस्ट अगर आप ऐड कर देते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। क्या लिख सकते हैं, ए कैटालिस्ट always increases the rate of the reaction. Catalyst increases the rate of the reaction. ठीक है, तो अब ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कब से, कि अगर सपोज एक रिएक्शन है बहुत स्लो है, आप उसको फास्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, कैटालिस्ट आप उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डिटेल में पढ़ना होगा वो ये पढ़ना है कि अगर आप कैटालिस्ट को ऐड कराते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है, कैटालिस्ट उसके अंदर ऐसा क्या वर्क करता है जाकर के जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। और इसके अलावा देखिए, आपके पास यही 12th क्लास में एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आप ये भी स्टडी करेंगे कि जो कैटालिस्ट है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को घटाते भी है, ठीक है, लेकिन उनको बोला जाता है नेगेटिव कैटालिस्ट। तो जब भी उनकी बात की जाती है वो नेगेटिव कैटालिस्ट के फॉर्म में आते हैं। मेन हमारे पास जो कैटालिस्ट है मोस्टली वो सब क्या करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन तो बढ़ाते हैं, ऑल दीज आर पॉजिटिव कैटालिस्ट, क्योंकि वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे कि कैटालिस्ट जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब किस तरह से बढ़ाता है वो हम कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले ये आपको बता देती हूँ सारे, फिर उसको स्टडी करेंगे डिटेल में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उससे रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की गई है, क्या कहा गया है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय, यहाँ पे इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। और क्या ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट्स में कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि 27 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए टेम्परेचर और उसको 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया,
तो जो रेट है वो क्या हो जाता है, द रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, जितना रेट था उसका ऑलमोस्ट डबल वो रेट हो जाता है, ये टेम्परेचर है। तो हमें इसको टेम्परेचर में भी हमें डिटेल में स्टडी करना है कि ऐसा क्या होता है, टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा रहा है। देखिए लास्ट फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। अब कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेडिएशंस की प्रेजेंस में ही होते हैं, डार्क में वो रिएक्शंस हो ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ H2 विद Cl2 और द फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या करा रहे हैं, कंबाइन करा रहे हैं। रिएक्शन होता है सनलाइट की ही प्रेजेंस में, डार्क में अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। एंड दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज द फोटो केमिकल रिएक्शन। तो ये भी कंडीशन होगी एक तरह से कि अगर आप डार्क वहां पे यूज कर रहे हैं, मीन लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, डार्क में करा रहे हैं, तो वो रिएक्शन होता ही नहीं। तो इस फैक्टर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए। अब हमारे पास में बस दो काम बचे हैं, एक इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसको डिटेल में स्टडी करना, और एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।